मिलता था पेंट करने से, सो मैंने फिर से पेंट करना स्टार्ट किया। फिर उन पेंटिंग्स में मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, अपनी फीलिंग्स को दिखाया। जो भी कोई ऐसा एक इशू होता है जिसमें मुझे लगता है कि इस पर मुझे पेंट करना चाहिए, सो उन चीज़ों को लेके मैंने पेंट किया। और फिर ऐसा हो गया कि मैं एक लड़की की स्टोरी को दिखाने लगी, एक लड़की की लाइफ को दिखाने लगी। सो वो एक मेन अट्रैक्शन होती है मेरी पेंटिंग्स में, जो भी मैं इलस्ट्रेशंस करती हूँ उसमें। सो उसमें एक लड़की की स्टोरी होती है। जो कुछ एक्सप्रेस कर रही होती है। कैलीग्राफी मैंने लॉकडाउन के टाइम से ही स्टार्ट की, जब कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही स्टार्ट की। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कैलीग्राफी में, इवन मुझे काफ़ी ऑर्डर्स भी आते हैं आप कैलीग्राफी के। सो ये कंटिन्यू रहेगा कैलीग्राफी। ये सारा सेल्फ लर्न्ड है, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। सो जो भी है, जो भी मैं अभी कर रही हूँ, वो सारा मैंने खुद से ही किया है। मतलब मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती हूँ इन चीज़ों को लेके, कभी सही जाता है कभी नहीं जाता है। सो मैं खुद से सीखती हूँ और खुद से ट्राई करती हूँ नई नई चीज़ें, नए मीडियम्स को ट्राई करती हूँ। सो सीखा कहीं से नहीं है, सेल्फ टॉट ही है। मैं फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ, क्योंकि अब तो ये मेरा प्रोफेशन बन गया है। क्योंकि मैं म्यूरल्स करती हूँ तो काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं म्यूरल्स के लिए, और कैलीग्राफी के भी काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्यूचर में भी इसी को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब मैं करियर वाइज अगर देखूँगी, मुझे इसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इस चीज़ को आगे भी लेना चाहूँगी। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं फ्यूचर का सोच रही हूँ, कि मैं छोटी आर्ट गैलरी खोलना चाहूँगी, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट अपना काम दिखाना, जिनको अच्छा लगेगा वो दिखा सकते हैं। तो कश्मीर में ऐसी कोई गैलरी है नहीं अभी तक, तो वो एक चीज़ है मेरा, मतलब वो फ्यूचर ड्रीम है मेरा ऐसा, कि मैं एक आर्ट गैलरी खोल। ऐसे करो काम, अब यहाँ से।